तुर्की जो है खामखा अपने आप को फंसा रहा है अफगानिस्तान में कि साहब हमें हम सिक्योरिटी के तुर्की मामले काबुल में का ले रहे हैं सिक्योरिटी करेंगे, तो जी उन्होंने तालिबान ने कह दिया कि हम आप पे हमला करेंगे। जी तो अब तालिबान तो नहीं मानेंगे ना किसी दूसरे के भी, अब भी तो इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पाकिस्तान में ये बात हमने एक दफ़ा कही थी कि पाकिस्तान ने दो बातें हो गई हैं बहुत अहम। जी एक तो पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार कर दिया, एक तुर्की जो है खामखा अपने आप को फंसा रहा है अफगानिस्तान में कि साहब हमें हम तुर्की सिक्योरिटी के मामले में काबुल ले रहे का हैं जी सिक्योरिटी करेंगे, तो जी उन्होंने तालिबान ने कह दिया कि हम आप पे हमला करेंगे। जी तो अब तालिबान तो नहीं मानेंगे ना किसी दूसरे के भी, अब भी तो नेटो का हिस्सा है ना जी। जी आप तुर्की क्यों बीच में पंगा डाल रहा है अपना? अब बेगाने की शादी जी में अब्दुल्ला अब्दुल्ला दीवाने दीवाना क्यों वाली बन रहे हो सूरत आप भाई? जी, तो मिलना ये कुछ गलत नहीं है, बात है। कुछ तो हासिल होगा नहीं सवाए मौत के, हलाकतों के। नहीं, गलत बात होगी ना कि मुसलमान का खून बहेगा, ठीक नहीं है। तुर्कियों को बहना नहीं चाहिए, तो तुर्की लेकिन मतलब है कि मुमकिन है कि तुर्की ने ये कोई पॉलिसी बयान की हो अपना, जो है तल्लुकात नेटो से ठीक रखने के लिए ये बात की हो कि हमें दे दिया जाए। फिर वो उन्होंने ये भी कहा है ना कि हम पाकिस्तान से और तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, जी तो पाकिस्तान तो इस पर राज़ी नहीं होगा कि भाई आप क्यों, आप खामखा ये एरिया हमारा इन्फ्लुएंस है, आप क्यों हमारे मामले में मुदाखलत कर रहे हैं? जी तो वैसे भी वो किसी को नहीं, पाकिस्तानी क्यों इसको पाकिस्तानी के काबिल कबूल नहीं है ये बात। बिल्कुल ठीक नहीं, वैसे अगर वो आपको एज ए ब्रदर कबूल कर लेते हैं देखो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये आप खामखा अगर नेटो के तौर पर आएंगे तो आपको काबिल कबूल नहीं है। तालिबान ने आपको पहले कह दिया है कि हम आप पर हमला कर देंगे। लेकिन मेरे साहब एक और बात, दूसरी तरफ से भी एक बात आ रही है कि पै दर पे जो हमले हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है जैसे नेटो फोर्स निकलेगी अफगानिस्तान फिर से गैर महफूज हो जाएगा, नहीं, ऑलरेडी हो चुका है, वो भी एक सिविल वार तो अलमिया जारी हुआ है है, ना इस वक्त भाई, वो जो हमले कर रहे तो हैं। उसको रोकने के लिए भी तालिबान का कोई किरदार अदा करना होगा ना, नहीं, उनको तालिबान का देखिए, तालिबान को बड़ेपन पाकिस्तान का ये मुजाहरा समझा करना रहा होगा। है कि किसी तरह से भी आपको ये चाहिए कि आप इनके साथ में मिल जाएं, जी और पहले मिल जाएं फिर आप इनको हटा दें ताकि दुनिया सारी आपको तस्लीम कर ले। लेकिन तालिबान इस बात पर राज़ी नहीं है, वो कहते हैं हमने फतह हासिल की है, हम इनके साथ जो इनके ग़ुलाम थे जिन्होंने हमें मारा है उनके साथ हम कैसे करें। उनका भी मौक़िफ़ सही है, वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ बगावत हो जाएगी कि हम इनके साथ में गद्दारों के साथ में मिलकर क्या करेंगे। उनके तो गद्दार हैं ना ये जिन्होंने अमेरिका लेकिन का साथ दिया। जब उनकी गवर्नमेंट थी 1994 में, तो वो भी उन्होंने ही बड़े जालिमाना तरीके से अपने मुखालफीन को भाई मारा जो है। भी हो, लेकिन अब तो जाले को उन्होंने अब तो फिर वो अब बदला ये लेंगे, वो तो अब इनका अफगानियों का तो ये तरीका है। तो अभी इसका कोई हल निकालना चाहिए। हल पाकिस्तान निकालना चाहता है, लेकिन अब ये बीच में तुर्की भी आ रहा है तो ये गलत बात हो जाएगी ना। अब एक नया मुसीबत फसीद हो जाएगी, हमारे तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अब ये फड्डा इसमें डाल लेकिन दिया तैयब उन्होंने। उर्दवान से ऐसी उम्मीद नहीं है, वो बहुत नहीं, मतलब है कि उसने पता नहीं होशमंदी से काम किस करने उसमें वाले कहा आदमी है। है, नहीं उसने अपने आप को बचाया है जी अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका में ब्रेक और ब्रेक का किस्सा था कि जी वो तो उसमें, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन ले ली थी, अब उसने ये एक किस्म का राह निकाली है कि साहब हम आपके प्यादे बन जाते हैं। जी तो प्यादे आप नहीं बनना चाहिए आपको भाई, आपको फिर वही जो आपकी अगर जो शोहरत है वो एक मर्द मुजाहिद की है वही रखें, आप प्यादा ना बने ये अमेरिका। उड़ता हुआ तीर जो है ये बगल में लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई है अर्दवान साहब के? उसकी बेसिक वजह ये है कि तालिबान ने उनको बेइज्जत किया है, वो जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस हो रही थी उलमा की उसमें ना जाकर, और वो गुस्साकार गए, और गुस्साकार के तो उन्होंने कहा कि मैं इसका बदला लूँगा इससे, और इसका बदला लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि तालिबान की मुखालिफ फोर्स जो है उसको एक्टिवेट कर दिया जाए। अब ये जो रशीद दोस्तम के साथ एक और साहब भी थे, ये दो जर्नैलों की जो गलमजम मलेशिया थी वो बड़ी मशहूर हुई थी, उनको तालिबान ने वंस अपॉन ए टाइम, मेरा मुझे रशीद दोस्तम था एक और थे उनका मेरे जहन से नाम निकल रहा है, उनको तो उन्होंने फारग कर दिया था, काफ़ी साल पहले की बात है। ये खबर छपी है रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के अंदर। रॉयटर बेसिकली एक इकॉनमी की खबरों की न्यूज़ एजेंसी है, ये पॉलिटिकल खबरें नहीं देती, और पॉलिटिकल खबरों में रॉयटर अक्सर ब्लंडर मार जाती है।
और मेरी ख्वाहिश है कि ये भी रॉयटर का एक ब्लंडर हो और वो इस खबर को विड्रॉ कर ले, लेकिन बहरहाल खबर जो है वो ऑथेंटिक सोर्स से दी गई है और वो सोर्स है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अमेरिका के हैं, जेक सिल्वन जो साहब जो हैं, जेक सिलेवन साहब जो हैं, उनके हवाले से दी गई है। और उन्होंने ये कहा है कि जी वहाँ पे मुलाकात हुई है। S-400 जो दिफाई मिज़ाइल निज़ाम जो कि रशिया का ख़रीदा है तुर्की ने, उसके ऊपर जो है इख्तलाफात अभी कायम हैं, लेकिन इसके ऊपर इत्तफाक हो गया है कि अगर जाता है तुर्की जो है वो काबुल एयरपोर्ट की, जिसका नाम हामद करज़ई एयरपोर्ट है, उसकी हिफाजत के लिए अगर अपने दस्ते भेजता है तो, या कोई ज़िम्मेदारी लेता है तो उसका वो करेंगे। तो हमने आपको बताया कि तुर्की शायद डायरेक्ट अपने ट्रूप्स ना भेजे, वो इसको आउटसोर्स कर दे, और आउटसोर्स किसको करे? रशीद दोस्तम को। रशीद दोस्तम को क्यों? रशीद दोस्तम कई सालों से, 1.5 से ज़्यादा से। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने इस वीडियो में देखा पाकिस्तान के पत्रकार बात कर रहे थे अफ़गानिस्तान में जो एक सिचुएशन बनी है उसको लेकर, और अफ़गानिस्तान में बहुत जल्दी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकलने वाला है, जिसके बाद अफ़गानिस्तान की सत्ता 100% श्योर है कि तालिबान के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। तालिबान का अहम रोल होगा। पाकिस्तान बहुत लाइक करता है तालिबान को, शुरू से तालिबान को सपोर्ट रहा है। तो तालिबान एक बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर सत्ता बनेगी कोई भी तो उसमें मेंबर रहेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान अब बहुत नाराज़ हो गया है टर्की को लेकर। टर्की तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल एयरपोर्ट में अमेरिका के कहने पर लड़ाई लड़ रही है, ऐसा मीडिया सोर्सेस में आ रहा है। और अब पाकिस्तानी मीडिया बड़ा ही अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं टर्की को लेकर। आपको बता दें पाकिस्तान भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर टर्की में एक खासा प्यार है। टर्की आप समझ सकते हो जो खिलाफत थी, मुस्लिम उम्मा और ये सब फलाना ठिकाना जो बातें हैं वो टर्की से ही शुरू होती हैं। तो दोस्तों तैयब अर्दोगान आप जानते हैं, जिन्हें जिनको जिनको लेकर भारत पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमान काफ़ी इन्हें लाइक करते हैं, इनकी फेसबुक या ट्विटर में DP लगा कर रखते हैं। तो तैयब अर्दोगान ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं, अब उनका भी कोई फ़ायदा होगा डेफ़िनेटली। पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो समझता है कि बस इस्लाम के नाम पर कोई भी चीज़ कहीं पर भी ऐसा वैसा, मतलब इनका एक ही सोच है इस्लाम इस्लाम। तो दोस्तों आने वाले समय में सिचुएशन और भी क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा। हालांकि अगर टर्की ने यह फ़ैसला लिया है तो ये भारत के लिए तो ठीक है, अच्छा है, तालिबान टर्की एक दूसरे के दुश्मन बने बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत भी तालिबान के साथ आपको बता दें संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अफगानिस्तान में है। अगर हम तालिबान से संबंध नहीं बनाएंगे, जो कि आने वाले समय में सत्ता पर आ सकता है, तो फिर हमारा अफगानिस्तान में डेफिनेटली रहना मुश्किल हो जाएगा। तो अफगानिस्तान में अगर रहना है तो तालिबान के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा और तालिबान से बनाकर चलना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आने वाले समय में बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सुना जो नुसरत मिर्ज़ा, पहले वीडियो में इनको मैं प्यार से मच्छर चाचा बोलता हूँ, मच्छर चाचा मैंने इनके बहुत सारे पुराने वीडियो डाले हैं, इसमें ये अपना ताल्लुक मुग़ल ख़ानदान से बता चुके हैं और ये मुग़ल ख़ानदान के चश्मों चिराग हैं ऐसा भी ये बता चुके हैं। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो मच्छर चाचा को देखकर आपको समझ सकते हो मुग़ल के हालात कैसे होंगे। औरंगजेब की डेथ के बाद मुग़ल सत्ता तो लगभग लगभग उखड़ गई थी, और मच्छर चाचा का उस पर ही, मच्छर चाचा का असर उस पर अभी तक दिख रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।